अनुमंडल की लोकहा विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक गर्मी तेज हो गई है। उम्मीदवारी को लेकर हर कार्यकर्ता जदयू राजद कांग्रेस सभी दल में प्रयत्नशील नजर आ रहे हैं। इस संबंध में वर्तमान क्षेत्रीय विधायक आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने बताया कि हक की लड़ाई हर लोगों को लड़ना चाहिए, लेकिन लोकहा विधानसभा क्षेत्र समाजवादियों की धरती है और यहाँ उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य हुआ है शायद आज तक इस क्षेत्र में नहीं देखा गया। उन्हें जनता के आशीर्वाद पर पूर्ण विश्वास है। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया कि विकास करना ही उनका प्रथम कर्तव्य है। मधुबनी खबर बिहार में आपका स्वागत है। और अब तो चुनावी वक्त आ गया, मैं जानना चाह रहा हूँ अगले चुनाव में आपका क्या उद्देश्य है, क्या करना है, क्या स्थिति है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो बिहार की जो वर्तमान स्थिति है, आज बिहार में विकास एक बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दा के प्रतीक, उस विकास के प्रतीक आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार आज जिस परिस्थिति में, जिस स्थिति में आज खड़ा हो गया है, वो आने वाला समय में बिहार से देश का सबसे सुंदर राज्य, चाहे गांव की सड़क हो, गलियों की सड़क हो, और जो घर घर बिजली पहुंच गई, और सबसे पहले हमको लगता है कि देश में हर घर घर में बिजली पहुंचाने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, आम लोगों में लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आने वाला समय में बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा विकास रहेगा और विकास आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मुद्दे पर। आने वाला समय में बिहार का जो परिस्थिति है उसमें NDA जो गठबंधन है उसको लोग चुनने के लिए आतुर हैं, चुनने के लिए तत्पर हैं, और ख़ास के क्षेत्रों का विकास में, चाहे नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्र लोकहा विधानसभा है, हर स्तर पर गांव के गलियों, गांव के जो मुख्य सड़क से जोड़ना, NH का विस्तारितकरण, और ख़ास के जो लोगों का जो गांव में जो जल और नल है, साथ निश्चय में सबसे बड़ी बात हुआ है छात्र क्रेडिट कार्ड, जो आम लोग जो आर्थिक रूप से बदहाल थे वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे थे, अपनी बच्चिया को अच्छा संस्थान में नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने छात्रों की पढ़ाई के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड का जो अवसर दिए, आज प्रत्येक प्रतिभाशाली बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं और उसका उपयोग आने वाला समय में बिहार के लिए अच्छा। गत चुनाव में तो आप राजद के साथ चुनाव लड़े थे, इस बार तो राजद आपके साथ है नहीं, तो क्या स्थिति रहेगी आपकी? देखिए, लोकहा विधानसभा का इतिहास रहा है, आप विगत पार्लियामेंट चुनाव से भी पहले का इतिहास रहा है, यानी यहाँ के लोग, लोकहा विधानसभा के लोग, खास के जो सामाजिक न्याय के धारा के लोग, यहाँ के लोग न जाति देखते हैं न धर्म देखते हैं, यहाँ के लोग जो वैचारिक रूप से जो पार्टी मजबूत है और खास के विकास के प्रति जो आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है NDA गठबंधन, जो आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो पार्टी का गठबंधन है BJP जनता दल यू और लोजपा, उसके प्रति लोगों को आस्था है, विश्वास है। आने वाला समय में लोकहा विधानसभा उसी आधार पर अपने प्रतिष्ठित। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार खबर बिहार के लिए आपका ये इंटरव्यू। मैं रामचंद्र सिंह हूँ, नरहैया मंत्री जी के निवास से। फुलपरास मधुबनी से रामचंद्र सिंह मोल की रिपोर्ट।